I'm sorry for the previous one. कि यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ गया था, वही था कि यहाँ पे ग्लाइकोजन नहीं था, ग्लूकोगन था, और उसके बारे में है कि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी. अच्छा जी, ये यूट्रस को डायलेट करने के अंदर हेल्पफुल होगा और ब्रोंकोस्पैज्म को रिड्यूस करेगा, यानी कि ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करेगा. जैसी बात है, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी तो स्पैज्म उसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे. अच्छा जी, बीटा एन जो है वो है एपिनेफ्रीन, और उसके अंदर है और दूसरा है आइसोप्रोटिनोल. और इफेक्ट इसके क्या हैं? स्टिमुलेंट के तौर पे काम करेगा, ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम करेगा और ब्रैडीकार्डिया के अंदर काम करेगा. अच्छा, इनके सब के फंक्शंस ना यूजुअली मिलते जुलते होंगे आपस में तकरीबन सबके, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट अल्टीमेटली सबका जाके सेम ही आता है ना, तो मैक्सिमम जो काम है वो सेम ही आते होंगे. तो ज़्यादा अगर आप स्पेसिफाई नहीं होना चाह रहे, स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो इन जनरल अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी हद तक आपका गुजारा हो सकता है. खैर, जो इसका दूसरा पार्ट है वही है कि जनाब इनडायरेक्ट एक्टिंग जो चीज़ें हैं हमारे पास, एगोनिस्ट हैं इनके, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, उनको डिस्कस कर लें. तो खैर, इन दोनों से तो आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्योंकि अक्सर आजकल आपने इनका टीवी पे भी जिक्र सुना होगा, और वैसे भी नशाबर चीज़ों के अंदर जो मंशियात हैं आपकी ड्रग्स हैं उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा. तो खैर, फंक्शंस भी इसके कोई इतने ख़ास मुश्किल नहीं होंगे, जाने पहचान नहीं होंगे आपसे. पहली चीज़ है जनाब आपकी एम्फेटामीन, और दूसरी चीज़ आपकी कोकेन. काम क्या क्या है इसके? सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पे काम करेगी एम्फेटामीन, न्यूरोपेजी को ट्रीट करेगी, स्लीप को कंट्रोल करेगी, बढ़ा देगी, मतलब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के काम आएगी, और हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आएगी, और एपेटाइट कंट्रोल करेगी आपका. अच्छा, नेक्स्ट इज़ आपका कोकेन, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी और बीटा स्टिमुलेंट है, और पैरा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी की भी आपको इंक्रीज़ करके दे देगी. तो जी, ये था आपका एक कंप्लीट ओवरव्यू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पे. और इसके अंदर अगर कोई आपको इनके क्वेश्चंस हैं जो कुछ समझ नहीं आई, तो कंसल्ट कर लें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक, और अगर इनके फर्दर कोई क्यूरीज हैं तो फिर वो आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.